अस्सलामुअलैकुम, आप हैं बागबानी चैनल पे। दोस्तों, आज मैं ये प्लांट आपको दिखाने वाली हूँ। ये आप सभी को पता ही होगा, ये डिफिन जागिया का प्लांट है। मेरे पास इसके बहुत सारे पॉट्स हैं दोस्तों। ये सब कुछ मैंने कटिंग से लगाया हुआ था, बस ये एक बार एक प्लांट नर्सरी से ले आई थी मैं, उसके बाद ये सारे के सारे मैंने कटिंग से ही ग्रो किए हुए हैं। ये डिफिन पगिया में बहुत सारे वैरायटीज आते हैं दोस्तों, लेकिन मेरे पास ये एक ही वैरायटी है। और ये वैरायटी भी ऐसी है कि बस ये थोड़ी लंबी से प्लांट हो जाता है तो इस तरह से ये नीचे की तरफ ढलने लग जाता है दोस्तों, स्ट्रेट टिके नहीं रहता, ऐसा प्लांट है ये। बहुत बार मैंने इसको कट करके दोबारा से लगाया। ये देखिए, ये इस तरह से जो नीचे की तरफ ढल रहा है उसको यहाँ से कट करके लगा देंगे तो ये भी आसानी से आ जाएगा। और ये जो इसकी स्टेम है, इसकी इतनी इतनी सी 1 इंच स्टेम कट करके लगा लेंगे तो ये देखिए इतने सारे, ये स्टेम में कितने सारे प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। इस तरह से ये प्लांट आता है दोस्तों, बहुत ही आसानी से आने वाला प्लांट है। और इसकी वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसको ज़्यादा पानी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बस इसकी मिट्टी गीली होनी चाहिए, बस इतना काफ़ी है। और इसको ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं है, छांव में भी रख देंगे या फिर इंडोर भी रखेंगे तो भी चलेगा। और इसको खाद भी देने की कुछ ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बस आसानी से आता ही रहता है, अच्छी ग्रोथ होती रहती है इसमें हमेशा, तो कुछ भी खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हम इसकी पॉटिंग मिक्स, पॉटिंग सॉइल बनाते हैं उसमें कुछ खाद मिक्स कर लेंगे तो काफ़ी होगा, हमेशा इसमें खाद देने की ज़रूरत नहीं है। बस इतने सारे अच्छे अच्छे से ये खूबसूरत इसके लीव्स निकलते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े से हो जाते हैं। और इसमें एक ख़ास बात यह है दोस्तों, छोटे से छोटे पॉट में भी ये बहुत बड़ा हो जाता है। देखिए, ये शायद 6 इंच का पॉट है मेरा, इसमें देखिए 2 प्लांट आए हुए हैं और कितने बड़े हैं। अब मैं आपको दूर से दिखा देती हूँ, ये देखिए कितने बड़े प्लांट्स हो चुके हैं इसके। इस तरह से ये छोटे से छोटे पॉट में भी आ जाता है दोस्तों, बहुत आसानी से आने वाला है, ज़्यादा केयर नहीं मांगता, तो आप ज़रूर इसको लगा सकते हैं। लेकिन इसमें एक ध्यान रखने वाली बात ये है दोस्तों कि इसमें थोड़ा सा पॉइजनस होता है, पॉइजन होता है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं घर में वहाँ आप नहीं लगाएं, लगाएं तो केयर करें, बच्चों को इसके लीव्स तोड़ के मुंह में ना रखने दें। इस तरह से केयर करेंगे तो आप ज़रूर लगा सकते हैं। और जो हम भी काम करते हैं इस तरह से, इसके स्टेम कट करके दूसरे पॉट्स में लगाते हैं तो इसमें स्टेम कट करने के बाद एक जेल सा आता है दोस्तों, वो हमारे हाथों में लग जाता है, तो अच्छा होगा इसका काम करते हुए हम हाथों में ग्लव्स पहन लेंगे तो बहुत अच्छा होगा हमारे जिस्म के लिए भी, हमारे स्किन के लिए भी। इस तरह से ये आने वाला प्लांट है दोस्तों, आसानी से ग्रो कर सकते हैं, इतना डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा तो हम इसको कट करते तो नहीं है ना, कभी भी हम इसको इस तरह से स्ट्रेट करना हो तभी कट करके इसके स्टेम लगा सकते हैं ना, तभी कभी कभी तो वो करते हैं तो हम केयर कर लेके कर सकते हैं, तो आसानी से लगा सकते हैं घरों में, तो बहुत आसानी से आने वाला प्लांट है दोस्तों ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसमें बहुत सारे वैरायटीज़ भी आते हैं, ये जो मेरी वैरायटी है बस इस तरह से ढलती जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्लांट है ये इस तरह से क्रॉस इस तरह से जा रहा है। तो ये थे मेरे छोटे छोटे से पॉट्स, बहुत सारे, ये सारे के सारे कटिंग से ही ग्रो किए हुए हैं दोस्तों। अब आप इसका देखिए किस तरह से ये पूरा का पूरा नीचे जा चुका है। अच्छा, इसको कुछ करना है दोस्तों, मैंने बहुत बार इसके ऊपर एक दो वीडियोस भी बनाया हुआ है कैसे हम इसको यहाँ से कट करके स्टेम लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम ये प्लांट लगा सकते हैं अपने घरों में। तो ये थे मेरे छोटे से पॉट्स, ये सारे ये पॉट जो मैंने DIY किया था और अब वो
टूट चुका है यहाँ से, जो मैंने वाइट सीमेंट जो लगाई हुई थी इसमें, ये सारा का सारा इस तरह से टूटता जा रहा है दोस्तों। और तो ये तो छोटे प्लांट्स थे, मेरे बहुत सारे बड़े बड़े पॉट्स में बड़े बड़े प्लांट्स हैं, चलिए मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ आज। एक ये है दोस्तों, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, इतना बड़ा हो चुका है ये। और नीचे की तरफ आपको मैं दिखाती हूँ किस तरह से ये ढल चुका है, देखिए इसका स्टेम। इसका स्टेम यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, देखिए इस तरह से ये पूरा का पूरा बेंड होता इस तरह से चला गया है, और यहाँ पे ये इस तरह से आया हुआ है। और दूसरे पॉट्स, बड़े पॉट्स में भी है मेरे, ये देखिए ये भी एक बहुत बड़ा हो चुका है, ये बड़े से पॉट में लगा हुआ है। ये भी इसी तरह से नीचे की तरफ ढल चुका था दोस्तों, उसको मैंने सीधा करके लगाया था, तो अभी ये स्ट्राइट है, बहुत बड़ा हो चुका है। और देखिए इसमें से इस तरह से छोटे छोटे पप्स भी निकल रहे हैं इसके, बस स्टेम लगा लेंगे तो कट करके बहुत सारे प्लांट्स बन जाते हैं दोस्तों इसके। और एक यहाँ पर भी है, देखिए इस तरह से इसका लुक आता है दूसरी बार देखी हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, बहुत खूबसूरत लगता है। और इसका स्टेम भी स्ट्रेट करके मैंने कट करके लगाया हुआ था, देखिए यहाँ से कट करके मैंने लगाया हुआ था, और इसी में इसको कट करके इसी में एक लगाया हुआ था, तो वो भी अभी बड़ा हो चुका है। देखिए ये साइड वाला प्लांट है और ये मेन प्लांट है। इस तरह से हम आसानी से ये प्लांट घर पे लगा सकते हैं, बस जो छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पे थोड़ी केयर करने की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह से आप भी नए नए प्लांट्स लगाते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।